साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे कैल्डिकाइंड। साथियों कैल्डिकाइंड मैनकाइंड की डिस्कवरी डिवीजन का प्रोडक्ट है। साथियों कैल्डिकाइंड एक कैल्शियम सस्पेंशन है जो कि कॉम्बिनेशन सस्पेंशन है। साथियों जो इसमें मिला है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कोल कैल्सिफेरॉल सस्पेंशन है। साथियों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कैल्डिकाइंड सस्पेंशन है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे। साथियों स्टोरेज इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, प्रिकॉशन कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे एंड साइड इफेक्ट की बात करेंगे। साथियों जो कैल्डिकाइंड सस्पेंशन है ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है सस्पेंशन है, कैल्शियम का सस्पेंशन जिसके अंदर साथियों ये देखिए जो है क्या कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट मिला है 250 mg, साथ ही साथ इसमें जो है क्या कहते हैं मैग्नीशियम मिला है 25 mg एंड साथियों जिंक ग्लूकोनोट मिला है 1.25 mg एंड कोल कैल्सिफेरॉल 125 mg इंटरनेशनल यूनिट मिला है, 125 इंटरनेशनल यूनिट मिला है। साथियों ये कॉम्बिनेशन सस्पेंशन है, बहुत ही फेमस सिरप है ये, 200 mg का सिरप जो है मेडिकल स्टोर पे इजीली से अवेलेबल हो जाता है कैल्डिकाइंड सस्पेंशन के नाम से। तो साथियों कैल्डिकाइंड सस्पेंशन है क्या इसके बारे में बात करते हैं। कैल्डिकाइंड सस्पेंशन इज बेनिफिशियरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। साथियों 12 वीक से कम की जो महिलाएं होती हैं, मतलब सॉरी आफ्टर 12 वीक जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बोन का फॉर्मेशन होता है और उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ऐसे केस में अगर कैल्डिकाइंड सस्पेंशन महिलाएं इस्तेमाल करेंगी तो वो जो है बच्चा जो है बहुत ही हेल्दी पर मतलब हो जाएगा और पैदा होगा। साथियों कैल्डिकाइंड इज आल्सो यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड पोस्ट मेनोपॉजल फेस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। साथियों ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसमें जो है हड्डियाँ क्या होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, भंकुर होने लगती हैं, जरा सी आहट और चोट और जैसे कहीं पे गिर पड़े तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट मतलब बोन जो है डैमेज होने के चांस होते हैं। और जो साथियों महिलाओं में क्या होता है 50 और 45 के बाद जो मेनोपॉज आता है वो एक तरह की ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसमें भी ये उपयोग में लाया जाता है। साथियों कैल्डिकाइंड सस्पेंशन मतलब क्या करता है, मिक्स्ड अप बैलेंस मतलब जो एक मतलब सस्पेंशन है कॉम्बिनेशन है जो कि कैल्शियम का मतलब कॉम्बिनेशन है मिक्सचर है, मैग्नीशियम का मिक्सचर है, जिंक का मिक्सचर है एंड विटामिन D3 जिसको हम कोल कैल्सिफेरॉल कह सकते हैं जो इसके अंदर मिला हुआ है। साथियों कैल्शियम क्या करता है, बॉडी में बहुत अच्छा रोल अहम रोल का जो है मतलब भूमिका निभाता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कैल्शियम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। साथ ही साथ और क्या करता है, इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ नर्व्स सेल्स मसल्स एंड बोन। साथियों क्या होता है नर्व्स मतलब एकदम स्वस्थ रखता है, कैल्शियम की कमी नहीं होता है, सेल्स में मतलब क्या कहता है कैल्शियम की कमी हुई तो दिक्कत हो सकती है, मसल्स जो है उसमें क्या होता है कि स्ट्रांग रखता है। साथियों ये क्या करता है विटामिन D3 जो इसके अंदर मिला है तो वो क्या होता है कैल्शियम और फास्फोरस का है भोजन के द्वारा या सीरप लेते हैं या दवाई लेते हैं तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन करता है, साथ ही साथ इसका ये भी फायदा है। और साथियों ये क्या करता है जिंक जो इसके अंदर मिला है, साथियों जैसा कि जिंक में जो है क्या होता है इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देता है, कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग कर देता है और उसको इन्हेंसमेंट करता है, तो कहने का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता भी ये बढ़ाता है जो इसके अंदर जिंक मिला है, तो बहुत ही अच्छा ये जो है कैल्डिकाइंड सस्पेंशन सीरप है। साथियों कॉम्बिनेशन की बात होगी, जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में बताया है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें 250 mg मिला है, मैग्नीशियम 25 mg मिला है, जिंक 1.25 mg मिला है और साथ ही साथ इसमें क्या है साथियों कोल कैल्सिफेरॉल 125 इंटरनेशनल यूनिट मिला हुआ है। साथियों ये तो कंपोजिशन की बात हो गई, इंपॉर्टेंट यूज की बात करेंगे तो साथियों जैसा कि अभी बताया था सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, कैल्शियम की कमी जो पर्सन के अंदर हो जाती है उस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कैल्डिकाइंड
सस्पेंशन, साथ ही साथ क्या करता है, रिक्वायर फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ। और ये क्या करता है, जो नवयुवक होते हैं जिनकी एज जो है बढ़ रही होती है, ऐसे केस में क्या होता है, स्किन, हेयर, नेल एंड टीथ उनका निर्माण होता है, तो ये दांत बहुत ही चमकदार बनाता है। और जिनके अंदर सूखा रोग हो जाता है जिसको हम रिकेटस कहते हैं, उस कमी को दूर करता है। ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है जिसे मतलब कैल्शियम और जोड़ों में दर्द हो जाता है। और ये क्या होता है, मतलब रिक्वायरिंग जो है बोन्स, मतलब फंक्शनिंग ऑफ बोन्स, सेल्स, नर्व्स एंड मसल्स, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊंगा साथियों, ये ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, ऑस्टियोमलेसिया में काम करता है, रिकेटस में काम करता है। एंड ये क्या करता है कि जिसमें विटामिन मतलब D3 मिला है, तो D3 क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है। कहने का मतलब है कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी अगर कमी होती है तो नसों में दर्द होने लगता है साथियों, नसों में जकड़न हो जाती है, उसको दूर करता है। और जो टीथ में प्रॉब्लम होती है, टीथ में जो होता है क्या होता है कि स्क्रेच ऐसे पड़ जाते हैं कैल्शियम की कमी से, और कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें पीलापन पड़ जाता है, और जो है क्या होता है कि जल्दी से गिरने लगते हैं। ऐसे केस में कैल्शियम की कमी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और समस्या दूर हो जाती है साथियों। साथ ही साथ इसकी हम बात करेंगे स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की है कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेसेस, और ये रूम टेम्परेचर पे इसको जो है स्टोर करना चाहिए। साथियों डोज की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो डोज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताऊंगा साथियों कि एडल्ट पर्सन है तो 10 ml, कहने का मतलब है 2 teaspoon जो है दिन में एक बार ले सकते हैं, या फिर उसको जो है डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं कि 5 ml सुबह, 5 ml शाम, या एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। साथियों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, जब भी इस सस्पेंशन को खरीदें तो इसके लेबल को जरूर चेक करें, इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें। तो कहने का मतलब है रीड द लेबल केयरफुल्ली बिफोर यूज, साथ ही साथ कीप आउट द रीच फ्रॉम चिल्ड्रन, और बच्चों की ये पहुंच से दूर करें रखें। तो साथियों ये सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हो गया। प्रिकॉशन की बात करेंगे साथियों, रीनल इम्पायरमेंट फंक्शन में इसको जो है क्या कहते हैं साथियों, अगर किसी रोगी को है पहले से किडनी की दिक्कत है उसमें इसको नहीं देना है। साथ ही साथ अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो उसमें इस सीरप को नहीं देना है। हाइपोपैराथायरायडिज्म जिनको समस्या है उसमें इसको नहीं देना है साथियों। प्रेगनेंसी के जो क्या होता है 8 या 9 महीने हो जाते हैं, मतलब लास्ट जो पीरियड होता है, दैट टाइम इस सस्पेंशन का जो है इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है साथियों। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, हाइपो कैल्शियमिया जो है, अगर किसी रोगियों को क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ नेफ्रोसिस हो जाती है, किडनी की दिक्कत होती है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है साथियों। इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो जाता है, एलर्जी हो जाता है और हेडेक हो जाता है। अदरवाइज बहुत ही सीवियर इसके जो है साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है साथियों। ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, और जो इसकी MRP है साथियों, ये जो है साथियों मैं बताऊंगा 145 रुपये इसकी MRP है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।